अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह का टाइम था, मैंने तो अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी इलेक्ट्रिक केटल में। ये जो वाला इलेक्ट्रिक केटल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कभी भी परचेस करना हो तो आप ये वाला इलेक्ट्रिक केटल परचेस करना। तो मैंने पानी डाल दिया ग्रीन टी में, उसके बाद मैंने हाफ कप ले लिया और गर्म पानी का। और ये गर्म पानी में, इसमें मैं बनाऊंगी मिल्क मेरी अम्मी के लिए। ये है ग्लूसरना मिल्क। ये जो मिल्क है, अगर हार्ट पेशेंट है तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। ये डॉक्टर्स रिकमेंडेड करते हैं, तो उन्होंने मेरी अम्मी को रिकमेंडेड किया था। तो फिर इस वजह से मैं रोज़ाना सुबह के टाइम अपनी अम्मी को ये मिल्क देती हूँ। आप सुबह के टाइम दें या शाम के टाइम, किसी भी टाइम आप ये ग्लूसरना मिल्क दे सकते हैं। ये स्पेशली होता ही हार्ट पेशेंट के लिए है। और ये गर्म पानी में बनाया जाता है। ये देखें जी, मैं बनाने लगी हूँ मिल्क मेरी अम्मी के लिए। इसको आपको 4-5 मिनट तक मुसलसल चलाना होगा। अगर आप नहीं चलाएंगे ना तो ये मिक्स नहीं होगा। तो मैं इसको चलाने लगी हूँ। उसके बाद मैंने ये मिल्क रख दिया साइड में। ये देखें जी, और अब मैं मिल्क को और अपनी ग्रीन टी को रख दूँगी ट्रे में। उसके बाद में जाकर अम्मी के साथ ग्रीन टी पीऊँगी और उनको ये मिल्क दूँगी। उसके बाद मैंने बना लिया करेले का जूस। करेले का जूस भी हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। आप हार्ट पेशेंट को या शुगर पेशेंट को स्वस्थ हुआ करेले का अगर जूस देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। भले चाय पीने के बाद भी वो यूज़ करें। उसके बनाने का तरीका ये है कि करेले पूरी तरह से आप कट कर लें। कट करने के बाद एक गिलास दो गिलास जितना आप पानी डालना चाहे पानी डाल के आप उसको, फिर उसको मैंने ये जूसर मशीन में उसका जूस बना लिया था। ये देखिए, जब मैं इसका जूस बना रही हूँ, ये भी हार्ट पेशेंट शुगर पेशेंट इनके लिए सही होता है। इनके लिए बल्कि अच्छा होता है, क्योंकि बाज़ों का तो वो चीनी खा लेते हैं या कोई मीठी चीज़ कुछ भी खा लेते हैं, तो इसमें ये जो है ये सही रहता है। अगर हम लोग भी पिए तो हमारे लिए भी मुफीद है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़वा होता है तो इस वजह से मैं तो नहीं पीती। ये देखिए, अब ये बन गया और अब मैं इसको छान लूँगी। मैं इसको छानने के बाद इसको किसी भी बर्तन में रख के रख लूँगी। उसके बाद मैंने टोमेटोस ग्राइंड कर लिए, क्योंकि फिर मुझे बनाना था सालन। चाय पी के फारिग होने के बाद, थोड़ी देर सफाई वफाई करने के बाद मुझे फिर सालन बनना था, तो उसके लिए मैं टोमेटोस पहले से ग्राइंड करके रख लेती हूँ। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, सुबह मॉर्निंग में जब मैं नाश्ता बना रही होती तो मैं अपने कुछ काम जो है वो उसी टाइम ही कम्प्लीट कर लेती हूँ। जैसे मैंने अम्मी के लिए मिल्क बना लिया, जूस बना लिया, और फिर मैंने टमाटर भी ग्राइंड कर दिए। अब टमाटर भी आप इस तरह से काट के फिर उनमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ग्राइंड कर देंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। और उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जब टमाटर जो है वो आपको सालन बनाने में जो है जल्दी सालन आपका बन जाएगा। वैसे तो आप उनकी खाल उतारेंगे, छीलेंगे, उसको फिर आपको भूनना पड़ेगा, इसमें जो है टाइम कम पड़ता है, कम लगता है टाइम। तो इस वजह से फिर मैं ये टोमेटो जो है ये ग्राइंड कर लेती हूँ।
ये देखें जी, ये मैंने टमाटर ग्राइंड कर दिए, ये मेरे टमाटर ग्राइंड हो रहे हैं। इससे अगर आप कोई और भी जूस वगैरह निकालना चाहें तो वो भी निकल जाता है। ये टमाटर भी देखें जी हो गए ग्राइंड, मैं रख दूंगी इनको साइड में।